इसराइल ने पेगासस जासूसी स्कैंडल में एनएसओ ग्रुप के खिलाफ शुरू की जांच। पेगासस जासूसी कांड में बवाल के बाद एनएसओ ने सरकारी क्लाइंट्स को किया ब्लॉक। सरकारी क्लाइंट्स अब नहीं कर पाएंगे इसका इस्तेमाल। चीन के परमाणु मिसाइल साइलो फील्ड्स को लेकर अमेरिकी सेना की चेतावनी। बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच जारी तनाव के बीच चीन पर परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने का आरोप। सैटेलाइट तस्वीरों से हुए खुलासे के मुताबिक 250 मिसाइल साइलो बनाने में जुटा चीन। ओमान के मसीरा द्वीप के उत्तर पूर्व में इसराइल के तेल टैंकर पर फिर हुआ ड्रोन अटैक। रात के अंधेरे में तेल टैंकर मेरसर स्ट्रीट को निशाना बनाकर किया गया हमला। हमले में टैंकर के चालक दल में शामिल दो लोगों की हुई मौत। रूस की लापरवाही से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। नासा ने बड़ी मुश्किलों से ISS पर दोबारा नियंत्रण स्थापित किया। दुर्घटना रूस के नौका साइंस मॉड्यूल के अंतरिक्ष स्टेशन पर कनेक्ट होने के 3 घंटे बाद हुई। दुर्घटना के समय मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित। अफगानिस्तान में अमेरिकियों के साथ साथ काम करने वाले अफगान दुभाषियों और अन्य लोगों को निकालने वाली पहली उड़ान पहुंची वॉशिंगटन। 200 से ज्यादा अफगानों को एयरलिफ्ट करके लाया गया अमेरिका। ऑपरेशन एलाइज रिफ्यूज के तहत 50,000 से अधिक लोगों को अफगानिस्तान से निकाला जाएगा सुरक्षित। अमेरिका में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का तेजी से बढ़ा प्रकोप। पिछले 24 घंटे में करीब 1,00,000 मामले किए गए दर्ज। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका में अधिक प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी। चीन में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। चीन के बीजिंग समेत 15 शहरों में अचानक कोरोना के मामलों में आई तेजी। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले आए सबसे ज्यादा। कड़े प्रतिबंध लागू करने का फैसला ले सकती है राजधानी बीजिंग। जापान में डेल्टा वेरिएंट के कहर को देखते हुए बढ़ाई गई इमरजेंसी। अब 31 अगस्त तक 4 जगहों पर रहेगा आपातकाल। चिबा, कानागावा, साइतामा और ओसाका में भी 31 अगस्त तक आपातकाल किया गया लागू। टोक्यो और ओकिनावा में लागू आपातकाल 31 अगस्त तक रहेगा जारी। दुनिया में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का कहर। पिछले 24 घंटे में 6,50,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले किए गए दर्ज। संक्रमितों की संख्या 19,79,00,000 के पार। अब तक 42,23,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अनिश्चित काल के लिए लिया ब्रेक। भारत के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भी हुए बाहर। मानसिक स्थिति में सुधार को प्राथमिकता देने और अपनी बाएं हाथ की उंगली में लगी चोट को आराम देने के लिए लिया फैसला।